आज हम कहाँ जा रहे हैं? शूट करने जा रहे हैं। आज हम लोग शूट पे जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं। तो आज जी मैं आपको लेके आया एवेन्यू स्टूडियो और मैं आपको हल्का फुल्का दिखाऊंगा कि बिहाइंड द कैमरास किस तरह से चीजें चलती हैं। देखें ओहो, बंदूक वाला टेस्ट भी तो कराना है, आखिर कोरोना वायरस है भाई। आप लोग तो ऐड आराम से देख लेते हैं, लेकिन अब जैसे ही सेट के अंदर मैं जैसे आया हूँ, मैंने स्टेप इन किया तो मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें जो कि एक आम आदमी को पता ही नहीं है। फिर आपको तरह तरह के गिम्बल्स नज़र आएंगे, गैजेट्स नज़र आएंगे और कैमराज डिफरेंट टाइप्स के और वट नॉट। आप यानी सोच भी नहीं सकते बैक हैंड पे कितनी मेहनत लग रही होती है एक एडवर्टीजमेंट के पीछे, एक ऐड के पीछे, एक ड्रामे के पीछे। तो वही सब आपको मैं फिर दिखाता हूँ। बड़ी मेहनत भाई, बड़ी मेहनत। ये है जी दानिश खान, असिस्टेंट डायरेक्टर जी। आमिर मुगल DOP हैं ये। हम आज शूट कर रहे हैं। आज है आज ठीक जी। अरीज आर्ट डायरेक्टर है एंड ये उभरता हुआ सितारा अलीज है। Roll camera. Rolling. Silence and action. Wow. Camera and doctor. तो भाई मैं ये मेन सेट में आ गया हूँ और मैं आप लोग को दो बंदों से मिलाने लगा हूँ। एक है DOP जिनका नाम है आमिर मुगल और दूसरे हैं दानिश खान जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। आइए उनसे आपको आपकी बातचीत कराते हैं और वो आपको थोड़ा बताएंगे कि ये सारी चीज़ें चलती किस तरह और क्या कुछ होता है। कमाल आ जाए। हेलो, क्या हाल है? आज हम नेस्ले का TVC शूट कर रहे हैं और हमने अभी सेट लगाया है एक घर का। ये देखें, यहाँ हमने डे लाइट शो की है और ये हमारे दानिश हैं, ये है एडी है। हम सेट्स पे शूट कर रहे हैं और कितना डिफ़िकल्ट होता है यहाँ लाइट करना और उसको मैच करना नेचुरल लाइट से और दिखाना कि ये रियल है, मतलब फेक ना लगे कोई भी चीज़, कोई भी लाइट, कोई भी सेट, कोई भी प्रॉप। एक लाइट पड़ी है, इसको नेचुरल दिखाना, इसको चीज़ें दिखाना, अपने करेक्टर्स को लिटअप करना। और हम आज शूट कर रहे हैं एरी अलेक्जा पे विद अल्ट्रा प्राइम लेंजेस और हम कुछ ND फिल्टर्स के साथ शूट कर रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट में हर तरह की कैमरा मूवमेंट कर रहे हैं। हम ट्रैक्स यूज़ कर रहे हैं, हम स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं, हम जिप यूज़ कर रहे हैं, हम हैंडी कैमरा यूज़ कर रहे हैं और वो सब मूवमेंट्स होती हैं कि हम करेक्टर की इमोशंस को सही तरीके से कैप्चर कर सकें कि करेक्टर्स क्या फील कर रहे हैं और मूवमेंट उसको डिस्क्राइब करनी चाहिए, कैमरे की मूवमेंट और करेक्टर्स की मूवमेंट एक फील में स्मूथली एक टाइम लाइन पर होना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको मेन सेट के पीछे जो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी वो ये हैं, ठीक है? ये पूरा सेट लगा हुआ है और वो आपका सोर्स है एक सूरज वाली, एक आपको फीलिंग देने के लिए जो कि अंदर आके ये आपका आपको सूरज वाली फीलिंग दे रहा है। यानी अगर यहाँ से ये शॉट लेंगे तो ये देखिए, ये आपको लग रहा है जैसे प्रॉपर सूरज है पीछे। कूल राइट?
स्टैंड बाय रोल कैमरा एंड। अच्छा, सबसे पहले होता ये कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, जैसे अभी हम लोग नेस्ले का शूट कर रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे पास एज अ क्लाइंट, जो कि कभी कभार क्रिएटिव एजेंसी के थ्रू आते हैं, कभी कभार वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बनता है, सबसे पहले इट ऑल स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट, जो कि डायरेक्टर अपने जहन में विजुअलाइज करता है या क्रिएटिव एजेंसी हम लोग को बोर्ड देती है, तो उसके बाद मजीद उसके ऊपर वर्किंग होती है। डायरेक्टर का काम होता है वो ऑल ओवर, वो ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप। मैं एज एन एडी काम कर रहा हूँ, मेरा काम होता है कि मैं वो फ्लोर रन करना, मतलब शूट सारा लाइनअप कराना, चीज़ें वीजें कास्टिंग करना, ठीक है, वार्डरोब के साथ लगना, उनके साथ मतलब सारे कलर पैलेट्स वगैरह चेक करना, और फिर डीओपी के साथ मिलके कैमरा एंगल्स वगैरह बनाना, जो हमारा एक्टर्स होते हैं उनके करेक्टर को डिफाइन करना, उनके साथ मिलके उनको एक्ट करवाना, तो वो मेरा काम होता है सारा का सारा। और बाकी लाइट इधर कराते हैं आज जी, ये आमिर भाई हैं जी। अच्छा, चले बस यही होता है, थैंक यू। करवाई नहीं रही, शूट ही नहीं करवा रही अपना, दिखा तो ये देख राइट इधर आ। और फिर ये हमारा गोंगलू है, जरा सा भी फिल्म करता है ना, यू आर अ गुड बॉय। तो जी राय अपनी फर्स्ट टीवी सी की अभी वहाँ पे शूट कर रहा है, ये शूट है नेस्ले लैक्टोग्रो का, आई मैं आपको थोड़ी सी उसकी ग्लिम्स दो। कम ऑन था, ज्यादा मजा आया, थोड़ा मजा आया। अच्छा, चलो आइंदा भी आओगे? यस, गुड बॉय, बहुत अच्छी बात है। कल भी आऊंगा मैं, कल भी आ जाएंगे। चलो वेरी नाइस, घर चले। तो ये थी जनाब हर शूट की कहानी, इतनी मेहनत लगती है पीछे हर शूट के। मैं हूँ यहाँ जी एवेन्यू स्टूडियो, यहाँ पे काफी फिल्म्स वगैरह भी होती रहती हैं। तो राइट से आए पूछते हैं, राइट आपका पहला शूट था, कैसा लगा बताओ? फुल अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो राइट को तो जनाब बहुत अच्छा लगा है, आपको भी अगर व्लॉग अच्छा लगा है और आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं देखने में, ओए मक्खी भी आ गई, तो लाइक ज़रूर करें और क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें, इसको ही मशहूर कर दें मुझे नहीं तो। ध्यान रखें अपना और अगले कॉन्टेंट के साथ जल्द मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मार्क्स भी सारे दे दो, हाँ हैविंग नहीं, अल्लाह हाफिज़ कर दो। हाँ, गक्की मामू कौन है? गक्की मामू को सब्सक्राइब करें। हाँ, मुझे सब्सक्राइब करें।